जब इतना साल शादी हुई दोस्तों, छोटा मैं शादी हुआ 20 साल, कब नहीं होते आए। और कोई बोलेगा हाय दोस्तों, आप सबका ऐसे उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हो दोस्तों, इतना बढ़िया नहीं हूँ, बस बढ़िया हो। कल हमारा प्लान ही नहीं आया दोस्तों, मेरा हस्बैंड कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरपाल गोस्वामी है और आज इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है कि समझ से भी खराब हो रहा कल से, इसलिए कोई ब्लॉग ये बना नहीं पाए, मजबूरी हुई कि हो गई मेरे साथ में। और दोस्तों मेरा पार में इतना ज़्यादा दर्द है, मैं तो चला भी ना जा रहा, बस 2 दिन से इतना ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। इसे 8-10 हज़ार रुपये की दवाई भी खुवाली पाँव की, इसके पाँव में आराम नहीं होता बस दोस्तों। साल भर से इतना सारा पैसा चला गया दोस्तों, प्लास्टर भी चढ़ा लिया, सारे काम कर लिया। आप देख सकते हो ये है डॉक्टर का दवाई, इतना मतलब इतना सारे दवाई हमने खा चुकी हूँ, और इसका पहले भी दवाई खा चुकी है, तो बद में लिख के दिया लास्ट में जब ठीक नहीं हो रहा था तब, और मतलब टूप लगाता लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चला नहीं जाता दोस्तों। इस पैर में ऊपर से गिर गया था तब से, बेल बो रखी थी या कि बेल बो रखी थी भैया, उस पर बताएगी इस पर भैंसों को टीन पर या कि बेल थी या तोड़ने चढ़ रही भला, ये टीन इतना वजन छिमाड़ लेगी पर पूछ दो। और दोस्तों तब से हालत बिल्कुल खराब हो गई, दिन खराब, रामदेव जी नीचे आ गए बड़ी। बताओ घिया तोड़ने के लिए तो मेरे हस्बैंड के लिए बताइए, और इंजन मेरे ऊपर ही लग रहा है, तो क्यों चढ़ा बताइए। नहीं तो तू सीटी लगा कर तो चढ़ सके थी, तू वहाँ से तू जो उस पर टीन पकड़ी होगी भाई। हाँ टीन पे खड़ी हो गई, बस खुद के नीचे गिर गया दोस्तों, और मैं तो मरने खा रहा था। मेरा हस्बैंड क्या क्या बोला, जो मरा क्यों नहीं बताइए, ऐसे बोलते हैं मेरे हस्बैंड, हमेशा मेरा मत जाते हैं इन्होंने। बताबा गुस्से में पड़े लैंडर पे चढ़ रही थी, लैंडर टूटता ना बताइए, ऐसे से बात करते हैं मेरा हस्बैंड तो नहीं, ऐसे बहुत अच्छी आज मेरा इतना सारा हेल्प किया दोस्तों, क्या बताओ। हमारे शमशला में दिखाऊंगी क्या, मेरे लेके समस्या ठीक करने गए गाँव में लेके गए इंसान मिस्त्री, उस दिन मिस्त्री ने सही करके ओके करके गए थे, समझ से बिजली आ रहा था दोस्तों, 3-4 हफ्ते तो बिजली आ रहा था लगातार, फिर वो बास्ट हो गया, मेरा हस्बैंड ने चलाया, वो बास्ट हो गया, खराब हो गया, फिर वो नीचे का मोटर रहने जाना, नीचे का मोटर और ठीक करने गया गाँव में, तो उन्होंने को बताया कॉल कर देगा। तो दोस्तों बाहर सरकारी नाल है, हमारे रास्ते का उस साइड है सरकारी नाल, तो वैसे मेरा हस्बैंड ने पानी लेकर दिया, अभी मैं फिलहाल 4 बजने जा रहा, अभी मैं नहाया दोस्तों, और मेरा हस्बैंड ने पानी बहुत ज़्यादा देखो जो, तो तीन भैंस, हमारा भैंस सारा है, बच्चे है, 7-8 ढो रहा है, मतलब मेरा लड़का ने तो बेटे ने तो पानी खींचा, और मेरा हस्बैंड ने पानी ले लेके ढोरों को पिलाया, और मतलब सान नहीं करा सारे का, और मुझे भी इतना सारा हेल्प किया दोस्तों, इतना सारा मतलब सारा पानी लेके दिया, मैंने बर्तन धो अभी नहा के तब बोलता भैया। कुल मिला के जितना पानी भैंसों में लगा इतना पानी लगा इसके काम में, बताइए दोस्तों, इसलिए मैं हकीकत में मुझे नहाने में बर्तन धोने कपड़े में बहुत सारा पानी लगता, कपड़ा इतना सारा फैला पड़ा दोस्तों, झाड़ू भी ना लगा पा रहा, इतना ज़्यादा दुख था पार में, ये पार में इतना ज़्यादा डान पार में इतना ज़्यादा दिखा था, बहुत ज़्यादा चिस्ता, पूरी रात तो सोना जाता दोस्तों, कल तो मेरा ब्लॉगिंग आए ना थी, और आज भी हो जाता था नहीं आते तो मैं हम यूसो से हम बात ही कर लेते आप लोगों से, आप लोग तो हमारा फैमिली हो, तो आप लोगों से बातें नहीं करूँगी तो किससे करूँगी बताइए, आप लोगों से नहीं करूँगी तो। और कोई दोस्त मेरा यूँ बोल रहा था, मुझे यूँ मैसेज कर रहा था कॉल लेजिए कि मैंने देखी हूँ आज, मैं इतना मैसेज ध्यान नहीं देती हूँ दोस्तों, हकीकत में इतना मतलब थोड़ा सा गलती के लिए इतना दुनिया इतना ये करने लगा, कोई कोई दोस्त ऐसे ऐसे गंदी गंदी भाषा यूज़ करने लगा, तो इसलिए हम मैसेज नहीं देखते दोस्तों हकीकत में। और लाइव आना तो एक दूसरे वाली बात है, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इंसान सोचते हैं हाँ हम चलो लाइव आई हूँ हम जुड़ सकते हो सबसे, दोस्तों डर लगता है जे हमारे चैनल 2 महीना बाद ही होगी, मोनेटाइज कुछ दिक्कत से ऐसे बात हो गए थे तो अप्लाई करे थे तो अप्लाई नहीं वापस आ गया, तो इसलिए हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगी थी, अप्रैल का लास्ट होगी मन, तो आप लोगों से हम ढेर सारा बात करूँगी, हम कहाँ की हूँ, कैसे हमारा शादी हुआ, किस टाइप का हूँ, कहाँ का हमारा घर है, तो हम लोग हर बात शेयर करूँगे आप लोगों से। अभी तो हम किसी के सामने ना हंस सकते ना रो सकते, हम तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकते, बोलने में पता नहीं गाँव वाले क्या क्या बोल देते हैं, इसलिए दोस्तों हम कुछ नहीं बोलते किसी को भी, ठीक है। बोलने तो अब भी हैं पर चलो भैया बोलते रहो क्या। और हमारा दोस्तों इतना साल शादी हुआ बहुत साल हो गए, आज की बात नहीं है जी की 2 दिन का शादी हुआ, 2-4 साल की ना काफी साल शादी हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है हमारे में, ठीक है। और कोई कोई सोचते है इसका शादी नहीं हुए ये है फलाना, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा हस्बैंड है ये, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, हमें ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। भगवान ने जिसे जितना दिमाग दे रखा उतनी बात करेगा भैया। हाँ जी। और मैं दोस्तों को ये बोलते जाना हम मैं कहा की हूँ, तुम्हारे ससुराल गाँव में, मेरी ससुराल बंगाल है जी, कोलकाता है। और मैं ये भी बोल दे मेरा मायके पता है कहाँ है, शिमुरली है, रानाघाट का साइड में, कल्याणी का साइड में शिमुरली पड़ता है, वहाँ पे मेरा मायके है, और मेरा शिप्रा अधिकारी वहाँ पे थी, और शिमुरली मनसोपुता घर थी, अभी मैं बता सकती हूँ मनसोपुता थी हमारा घर,
मुंशपुता हमारा गांव की नाम है, ठीक है, और जिला नोदिया है, और यहाँ का गांव हम बोल नहीं सकते दोस्तों, इतना बोल सकते बस हमारा मेरठ घर है। जब हमारा चैनल मोटा जाएगा, आप लोगों से जब लाइव आऊंगी, बात करूंगी बहुत से, तो हम बता दूंगा हमारा घर कहाँ है, ठीक है, इतना बोल सकते हो, हमारा घर मेरठ है, ठीक है जी, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। और आप लोगों में देखा रहा, हकीकत में हम झूठ नहीं बोलते कोई बात को। देखो हमारा घर से सारा कपड़ा वपड़ा फैला पड़ा, झाड़ू भी ना लगा दोस्तों, इतना पार में इतना दर्द बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कैमरा लेके, मतलब हमारा घर का क्या स्थिति है, झाड़ू भी ना लगा जाए दोस्तों, और मेरा समोसे भी खराब हो गया, हकीकत में झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, नहीं मजबूरी में कोई झूठ बोलने लगा, कोई हमें कुछ नहीं, कोई कोई दोस्ती बोले कि झूठ बोल रहा है, बंगाली नहीं फिलाना ढिकाना, अगर हम बांग्ला से बात करूँ तो हमारा इतना सारे दोस्त है तो बोलेगा बांग्ला से बात करो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम हिंदी से करते, जब इतना साल शादी हुई दोस्तों, छोटा में शादी हुआ 20 साल, कब नहीं होते है, और कोई बोलेगा हाँ उड़ा देगा, उड़ाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो हकीकत वही बात है, ठीक है, जब हम यहाँ पे राजू तो यहाँ का भाषा बताऊंगी, बताओ कोलकाता का भाषा बताऊंगी, बताओ माई क्या भाषा बताऊंगी, भाई इतने दिन हो लिए, भाषा तो मेरी समझ में भी ना आती आज की, बताइए हाँ, तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं एक बार कैमरे लेकर देखा तू दोस्तों, और काला माँ अच्छी तरह वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, मैं दवा भी खा रहा हूँ, और देखिए मैं ट्यूब लगाने के लिए ले गई, ये भी ट्यूब है दर्द की, आप लोग देख सकते हो दर्द की ट्यूब है, और कोई ट्यूब नहीं है, तो पार का नाश की दर्द की ट्यूब है, ज़्यादा चोट लगे दोस्तों, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ एक बार कैमरा घुमा के, हकीकत में दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों हमारा गैलरी में ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस मेरा हस्बैंड ने इतना सारा हेल्प किया, आज बहुत ज़्यादा हेल्प किया दोस्तों, आज देख सकते हो ऊपर सारा बर्तन तो ऐसे पड़ा हुआ है, सारा ऊपर में जाने क्योंकि पान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दोस्तों, और दोस्तों झाड़ू में मेरा घर में आज ना लगा दोस्तों, हकीकत में आज देख लीजिए समोसे में ये अपना यहाँ पे एक बार देखो हमारा समोसे बिल यहाँ पे थी, तो यहाँ पे पानी लगा के रखे, बच्चे उच्चों कुछ गिराना दे आके, छोटा हमारा लड़का है इसलिए, और दोस्तों देख सकते हो ये देखो समोसे बिल का तार आ रही है, पाइप उठा के रखे हैं, देख सकते हो आंगन तक रखे हैं पाइप उठा के, देख सकते हैं समोसे बिल का पाइप है दोस्तों, हम झूठ नहीं बोलो दोस्तों, आज की ब्लॉग हमारा बात अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, चलो मिलते दोस्तों आप लोग ठीक ठाक रहो दोस्तों, चलो मिलते हो कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हमारी तरफ से इतना सारा प्यार, जानो तुम बोलो हमारी तरफ से है, तो हम परेशानी आज कोई इतना सौदा प्यार, देख लीजिए दोस्तों आप लोग ठीक ठाक रहे, खुश रहे।